हेलो एवरीवन, सो गाइस न्यूज़पेपर रीडिंग आज भी एडिटोरियल है, देखते हैं क्या कुछ समझ में आता है। तो सबसे पहले लिखा है यहाँ पर ऑनवर्ड सनवर्ड। ऑनवर्ड का मतलब क्या होता है कि आगे ऊपर की तरफ, यू नो, इसके आगे, और सनवर्ड का मतलब सूरज की तरफ। तो बात तो समझ ही गए कि सूरज की तरफ जो जा रहा है उसके बारे में बात हो रही है, रॉकेट के बारे में। देखिए यहाँ लिखा है कि आदित्य L1 गिव्स India's space program one more boundary to push। सिर्फ इतने से में अगर मैं ग्रामर को देखूं तो क्या है, ये जो आदित्य L1 है ये हमारा सब्जेक्ट है। यहाँ गिव्स लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाया है, ये मेरा मेन वर्ब हो गया, तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। अब यहाँ मुझे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट हमारे दो होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक बार मैंने और बताया था, देखिए आदित्य L1 गिव्स टू whom, किसको देता है, whom करके सवाल पूछिए तो इंडिया स्पेस प्रोग्राम को, इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है उसको देता है। तो whom का जवाब मिल गया, एक ऑब्जेक्ट हमारा ये हो गया। क्या देता है, वन मोर बाउंड्री, एक और बाउंड्री देता है। तो यहाँ ये व्हाट का जवाब भी मिल गया, ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, ये वाला हमारा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो क्या देता है और किसको देता है, इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आदित्य L1 गिव्स इंडिया स्पेस प्रोग्राम वन मोर बाउंड्री, इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को एक और बाउंड्री देता है, मतलब दे दिया, इसको कंप्लीटेड एक्शन समझिए। अच्छा, यहाँ पर जो लिखा हुआ है टू पुश, ये हमारा इन्फिनिटिव है दोस्तों। ये इन्फिनिटिव यहाँ पर क्या काम कर रहा है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जो इन्फिनिटिव्स होते हैं, एक्चुअली इन्फिनिटिव्स तीन काम करते हैं गाइस। पहला काम करते हैं ये नाउन का, जो सबको पता होता है कि इन्फिनिटिव नाउन बनता है, लेकिन ये एक और काम करता है। ये एडजेक्टिव भी बनता है, ये एक और काम करता है, ये एडवर्ब भी बनता है। लोगों को नहीं पता है बट बनता है। तो जैसे अगर मैं कहता हूँ कि आई वॉन्ट टू प्ले, अब यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है, ये मेरा वर्ब है, और वर्ब के बाद यहाँ पर मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। तो टू प्ले यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ कि आई वांट अ चेयर, आई वांट अ चेयर, और यहाँ मैं कहता हूँ टू सिट, या मैं कहता हूँ आई हैव अ चेयर और यहाँ मैं कहता हूँ टू सिट, ध्यान दीजिएगा लास्ट में आ रहा है, यू नो, आई हैव अ पेन टू राइट। अगर मैं ऐसे इन्फिनिटिव को लगाता हूँ तो इस यहाँ जो इन्फिनिटिव होते हैं जो इस नाउन के बगल में आते हैं, देखो ये नाउन है ना, ये पेन एक नाउन है, ये चेयर एक नाउन है, ये चेयर एक नाउन है, इसके बगल में यहाँ जो इन्फिनिटिव आते गाइस इसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। ये एडजेक्टिव का काम करता है, कैसा चेयर, चेयर के बारे में बता रहे, कैसा चेयर जो बैठने के लिए है, कैसा पेन जो लिखने के लिए है, ये उस नाउन को मॉडिफाई करने लगता है। तो है इन्फिनिटिव, काम एडजेक्टिव का करता है। तो क्या बोलेंगे, आई हैव अ पेन टू राइट, यानी कि मेरे पास एक पेन है लिखने के लिए। तो उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि देयर इज, वी हैव गॉट वन मोर बाउंड्री, हमें एक और बाउंड्री मिला है टू पुश, तो बाउंड्री के बारे में बता रहा है कि एक और बाउंड्री है क्या करने के लिए, पुश करने के लिए, तो बाउंड्री टू पुश। तो ये सब आपका इन्फिनिटिव है जो एडजेक्टिव का काम करता है। तो आइए देखते हैं, समझ गए, वन मोर बाउंड्री टू पुश, यानी कि एक और बाउंड्री मिल गया है कि और आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, देखिए यहां पर लिखा है कि रफली अ वीक आफ्टर, मैंने कई बार आपको बताया होगा आफ्टर वाला खेल क्या होता है न्यूज़पेपर में। तो रफली अ वीक, यानी कि रफली का मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट अ वीक, मान लो कि एक हफ्ता आजू बाजू मिला करके, रफली का मतलब है कि नॉट एग्जैक्ट, तो लगभग एक हफ्ते बाद हो गया। तो ये तो हो गया रफली अ वीक आफ्टर, लेकिन किसके एक हफ्ते बाद, किस चीज़ के एक हफ्ते बाद। तो यहाँ पर पूरा सेंटेंस होगा या तो एक्टिव में होगा या पैसिव में होगा, याद रखिएगा। तो देखिए किसके एक हफ्ते बाद, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसको इसरो कहते हैं, सॉफ्ट लैंडेड अ रोबोटिक लैंडर एंड रोवर ऑन द मून्स साउथ पोलर रीजन, इसके एक हफ्ते बाद। तो फिर से देखिए,
किसके एक हफ्ते बाद, जब इसरो ने बहुत ही सॉफ्ट लैंड किया एक रोबोटिक लैंडर को, लैंडर जो कि लैंड होगा, एंड रोवर जो उसमें से निकलेगा रोवर, कहाँ लैंड किया? ऑन द मून्स साउथ पोलर रीजन, चांद के जो दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में, दक्षिणी जो साउथ पोलर रीजन है, जो एरिया है, वहां पर लैंड किया। इसके लैंड करने के लगभग एक हफ्ते बाद, यहां तक क्लियर है? लेकिन एक हफ्ते बाद क्या हुआ, क्या? अब वो जो इंफॉर्मेशन है अब वो यहां आपको दिखाई देगा कॉमा के बाद। इसके एक हफ्ते बाद क्या हुआ? इट लॉन्च्ड। इट कौन है? ये देखो, प्रोनाउन पे भी ध्यान देना है। इट कौन है? इसरो है। इसरो को इट कहा जा रहा है। इट लॉन्च्ड, इसने लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया? इंडियाज फर्स्ट स्पेस मिशन, इंडिया का पहला स्पेस मिशन लॉन्च किया। अच्छा, अब यहां बगल में क्या लिखा हुआ है? डेडिकेटेड टू। ये अचानक थर्ड फॉर्म या सेकेंड फॉर्म आपको ऐसा लग रहा होगा, ये क्या कर रहा है? ये थर्ड फॉर्म है गाइस, और इसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, एडजेक्टिव का काम करता है ये। बीच बीच में अचानक आपको दिखाई देगा, बगल में कोई वाजवर नहीं होगा, अचानक थर्ड फॉर्म प्रकट हो जाएगा, एडजेक्टिव होता है। किसके बारे में बता रहा है? इस स्पेस मिशन के बारे में बता रहा है कि इसने जो पहला स्पेस मिशन लॉन्च किया, वही कौन सा स्पेस मिशन? डेडिकेटेड टू, जो डेडिकेटेड है, जिसको डेडिकेट किया गया है, ओके, समर्पित किया गया है, टू। अब डेडिकेटेड टू, इस टू के बाद देखिए क्या लिखा है, स्टडिंग द सन। जरा कॉमन सेंस लगाकर मुझे बताइए कि टू के बाद आपको यहां वर्ब में आईएनजी दिखाई दे रहा है। देखिए देखिए, जनरली लोगों को क्या पता है कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये पता है ना, उसे फर्स्ट फॉर्म बोलो या बेस फॉर्म बोलो। यहां पर आपको आईएनजी दिखाई दे रहा है, इस पर भी आपको काम करना चाहिए, पहले पूरा मतलब देख लीजिए। तो इसने क्या किया? इंडिया का पहला स्पेस मिशन लॉन्च किया, जो कि स्टडिंग द सन, सन को स्टडी करने के लिए डेडिकेटेड है। क्यों? उसका पूरा काम क्या है? वो पूरा सूरज को स्टडी करेगा, पूरा उसको भैया समर्पित कर दिया, जा तू, जा तू सूरज को स्टडी कर, ठीक है जी, ये किया है। उसके बाद कॉमा करके है कि इन द फॉर्म ऑफ अ स्पेस क्राफ्ट, उसको जो लॉन्च किया गया है, किस रूप में लॉन्च किया गया है? एक स्पेस क्राफ्ट के फॉर्म में लॉन्च किया गया। अच्छा, फिर यहां पर देखिए थर्ड फॉर्म है, नेम्ड आदित्य L1। ये बीच बीच में जो थर्ड फॉर्म आते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, काम क्या करते हैं? एडजेक्टिव का, ऐसे याद किया कीजिए। वो स्पेस क्राफ्ट जिसका नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? आदित्य L1। यहां फुल स्टॉप है। अब हमें देखना है कि टू के बगल में आईएनजी क्यों लगा हुआ है। आइए देखते हैं। फाइन गाइस, अब मैं सिटी न्यूज भी लाऊंगा, क्योंकि मेरे जो बिगनर्स स्टूडेंट्स है वो बोर हो जाते हैं एडिटोरियल से, तो मैं सिटी न्यूज भी लाऊंगा। मेरा काम है ब्रेक करना, पार्सिंग करो। देखिए गाइस, टू के बगल में जनरली क्या होता है, वर्ब की बेस फॉर्म होती है, इसको फर्स्ट फॉर्म कह देते हैं लोग, ठीक है। अगर टू के बगल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए, बेस फॉर्म आ जाए, तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इन्फिनिटिव कहते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ टू गो, तो टू गो मेरा क्या है? इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव। अगर मैं कहता हूँ कि टू रन, ये मेरा इन्फिनिटिव है। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा दोस्तों कि टू के बगल में वर्ब में आईएनजी आपको दिखाई देगा। अगर टू के बगल में कोई वर्ब में आईएनजी लगा हो, ये इन्फिनिटिव नहीं होता है, ये पूरा का पूरा जो है ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। मतलब यहाँ जो टू है वो प्रेपोजिशन है, और जो आईएनजी है वो जेरंड है, यानी कि टू को हम बोलेंगे यहाँ पर प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, और ये जो वर्ब में आईएनजी है इसको क्या बोलेंगे? ये जेरंड है, ये जेरंड है, याद रखिएगा। यानी कि कॉमन सेंस आपको बताता हूँ कि प्रेपोजिशन के बगल में अगर अगर एक्शन लगाना हो, एक्शन लगाना हो, तब वो सिर्फ आईएनजी में ही होगा, आईएनजी में होगा। कुछ भी देख लो, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर इन, इन मेरा प्रेपोजिशन है, और अगर मैं कहता हूँ कि भैया इन कुक होगा कि इन कुकिंग होगा, खुद ही फैसला कीजिए क्या होगा? इन कुकिंग होगा। का मन करे वो आईएनजी में लगेगा, तो आईएनजी में लगेगा मतलब जब वो प्रेपोजिशन होगा तभी उसके बगल में आईएनजी आएगा, तो इन्फिनिटिव नहीं है, पता चल गया। लेकिन ये बहुत कम होता है, बहुत कम दिखाई देता है, तो इसकी लिस्ट आती है। जैसे आपने पहला वहां पर देख लिया कि डेडिकेटेड अगर टू आ गया, डेडिकेटेड टू, तो इस टू के बगल में, इस टू के बगल में या तो आप कोई नाउन लगाओ, और अगर आपको एक्शन लगाना है तो आपकी मजबूरी क्या होगी भैया? वो जेरंड फॉर्म में होना चाहिए, वर्ब में आईएनजी होना चाहिए, तो डेडिकेटेड टू के साथ ऐसा होता है, ओके? ऐसे ही क्लोज टू के साथ होता है,
क्लोज टू हो गया, ऐसे लुक फॉरवर्ड टू के साथ होता है, लुक फॉरवर्ड टू, इन सब के बाद वर्ब में आई एन जी आएगा अगर एक्शन है तो, और नहीं तो सिंपल नाउन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन अपने बगल में क्या लेता है, नाउन लेता है। अच्छा, लुक फॉरवर्ड टू हो गया, ऐसे ही प्रोन टू हो गया, मतलब ऐसे तमाम है, रिजॉर्ट टू हो गया, मैं कभी इसकी लिस्ट लाऊंगा, ईटीसी, बहुत ऐसे हैं, तो इनके साथ आई एन जी आता है। ये क्लियर हो गया। अच्छा, अगला पॉइंट है कि अचानक ऐसा लिखा रहता है कि अ गर्ल, और यहाँ लिखा रहेगा नेम्ड, अ गर्ल नेम्ड सोनिया वेंट टू मार्केट। बच्चों को पता नहीं चलता है कि हाँ ये क्या हो गया जी, ये नेम्ड क्या हो गया, तो इसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। देखिएगा, इसमें छोटी बात करता हूँ कि जब हम एडजेक्टिव क्लॉज को छोटा करके फ्रेज में कन्वर्ट करते हैं तब उसे या तो वो होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज अगर आई एन जी वाला होगा, या तो तब उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज या पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज कहते हैं और ये फ्रेजेस एडजेक्टिव का काम करते हैं। एडजेक्टिव क्यों? क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि अ गर्ल नेम्ड सोनिया, तो नेम्ड सोनिया जो है ये मेरा फ्रेज है, मैं इसको अभी क्लोज करके आपको दिखाता हूँ। मैं बोलूँगा अ गर्ल, अब हु वॉज नेम्ड सोनिया वेन टू मार्केट। अभी देखो, हु वॉज नेम्ड सोनिया, ये पूरा का पूरा मेरा क्या है, ये क्लॉज है, रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हुआ है, तो क्लॉज में मुझे इतना लंबा बोलना पड़ेगा, हु वॉज नेम्ड सोनिया, एक लड़की जिसका नाम सोनिया रखा गया था, यू नो, वो मार्केट गई, तो इतना ना बोल करके सीधा बोल दो गर्ल नेम्ड सोनिया वेंट टू मार्केट, तो पता चलता है, अच्छा गर्ल जिसका नाम सोनिया था मतलब सोनिया रखा गया था। ये तरीका है। दूसरा आपके मन में आ रहा होगा, क्या मैं हुज ना लगाऊं, आपके मन में आ भी सकता है कि गर्ल हुज नेम वॉज सोनिया वेंट टू मार्केट, हाँ ऐसा कर सकते हो, ये स्टेट ऑफ बींग के अंदर है, वो मैंने पैसिव के अंदर दिखाया, आप ऐसा भी कर सकते हो। तो इन सब को छोटा करने के लिए वो थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। ओके, जैसे मैंने बोला कि आई हैव अ लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप है, और मैंने यहाँ पर एक थर्ड फॉर्म लगा दिया, डेडिकेटेड टू editing videos। अब ये dedicated क्या कर रहा है यहाँ पर, तो dedicated to editing videos, इतना बड़ा जो आप जुमला देख रहे हो ना दोस्तों, ये हमारा है past participle phrase, काम कौन सा कर रहा है, adjective है ये, adjective खाली ये नहीं होता है कि आपने किसी लड़की को देखा बोला हा 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 क्या खूबसूरत है, beautiful, और beautiful आपको adjective लगता है, अभी छोटा है ये। एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, एक वर्ड भी एडजेक्टिव होता है, एक फ्रेज भी एडजेक्टिव होता है, और एक क्लॉज भी एडजेक्टिव होता है, लेकिन आप जितनी अंग्रेजी जानते हो ना, बुरा मत मानिए, हो सकता है आप खाली वर्ड को एडजेक्टिव जानते हो, कभी फ्रेज नहीं जाना, कभी क्लॉज नहीं सीखा, तो ये देखकर लगता है कि अच्छा ये एडजेक्टिव कैसे हो गया यार, हमने तो जिंदगी भर पढ़ा कि मैं स्ट्रांग हूँ तो एडजेक्टिव, मैं वीक हूँ एडजेक्टिव, तो छोटे छोटे वर्ड आपको पता है, क्लॉजेस नहीं पता आपको, इसलिए अखबारों में मार खा जाते हो आप। देखिए, तो आई हैव अ लैपटॉप डेडिकेटेड टू एडिटिंग वीडियोस, ये मेरा फ्रेज है, अब मैं इसको क्लॉज में कन्वर्ट करता हूँ, देखो कैसे हो जाएगा, आई हैव अ लैपटॉप, अब लैपटॉप के लिए हु आता है कि विच आता है, कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आता है, विच आता है, तो मैं लगाऊंगा विच इज डेडिकेटेड टू एडिटिंग वीडियोस। तो अब ये पूरा का पूरा जो विच से लेकर यहाँ तक आप देख रहे हो, इसे बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज, ये रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होते हैं। तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम उसे क्लॉज करके बड़ा दिखाएं, छोटा करके उसे फ्रेज में कन्वर्ट कर दें, तो जो लिखता है उसे पता है वो क्या करना चाहता है। ठीक है जी, आगे बढ़ो जी, हेलो जी, चल आगे बढ़ते हुए, अब देखिए, बेरली हाफ अ डे आफ्टर द लॉन्च, देखो यहाँ आफ्टर वाला खेल तो कमाल का है ना, तो बेरली का मतलब होता है यू नो मुश्किल से हाफ अ डे, सिर्फ आधा दिन आफ्टर द लॉन्च, यानी कि लॉन्च के सिर्फ
मुश्किल से आधे दिन बाद ही क्या हुआ, कॉमा, उसके बाद इंफॉर्मेशन, इसरो अनाउंस्ड, देखो इसरो हमारा सब्जेक्ट, अनाउंस्ड V2 पास्ट इंडेफिनिट का अच्छा इस्तेमाल है, इसरो ने अनाउंस किया, अनाउंस दैट, यह कि क्या अनाउंस किया, दैट इट्स लूनर रोवर हैड कंप्लीटेड द सर्फेस स्टडीज, यानी कि इसके लूनर मतलब चांद वाला जो रोवर है, जो चांद पे जो रोवर गया है, हैड कंप्लीटेड, उसने पूरा कर लिया है। आप में से कोई बताएगा कि हैड क्यों आया है यहां पर, सोचो सोचो हैड क्यों आया है, तो अभी बताता हूं मैं, हैड कंप्लीटेड द सर्फेस स्टडीज, यानी कि जिस मकसद के लिए गया था ना सर्फेस पे स्टडी करने के लिए, भैया कर लिया है, ठीक है। अब यहां पर ये हैड क्यों आया है ये भी देख लो, देखिए जब आप अखबार पढ़ोगे ना दोस्तों, तो भाई साहब उसके अंदर इनडायरेक्ट स्पीच भी एक चीज होती है, ये आपको बीच बीच में मिलता रहेगा। तो अगर मैं कहता हूं कि इसरो सेड, और मैं ऐसे बोल दूं कि आवर लूनर जो भी था उसका नाम, लूनर रोवर हैज कंप्लीटेड इट्स स्टडीज ऑन द सर्फेस, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कंप्लीटेड इट्स स्टडीज ऑन द सर्फेस, ये मेरा पता क्या हुआ, ये हो गया डायरेक्ट स्पीच, ये जो है इसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। अब मैं डायरेक्ट स्पीच में जब मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा तो कॉमन सेंस है कि इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट बन जाता है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं कि भाई इसरो सेड दैट, अब मैं बोलूं कि इट्स, यू नो इट्स या देयर, मैं यहाँ इट्स भी लगा सकता हूँ, मैं यहाँ देयर भी, हालांकि चूंकि इसरो एक ऑर्गेनाइजेशन है तो इट्स ही बोलिए, तो इट्स लूनर रोवर, अब हैज चेंज हो जाएगा किस में, हैड में, अब समझ में आ रहा है, कंप्लीटेड इट्स स्टडीज ऑन द सर्फेस, तो टेंस बदल जाएगा। लेकिन हम पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे नॉर्मल वैसे ही, प्रेजेंट परफेक्ट वाला वही तरीका अपनाएंगे कि भैया कर लिया है, यही अपनाएंगे। अच्छा जी, अच्छा सरफेस स्टडीज कर लिया है, कंप्लीटेड कर लिया है, इट हैड प्लान्ड, इट हैड प्लान्ड का मतलब जो इसने प्लान किया था, जो प्लान बनाया था उसको कंप्लीट कर लिया है, एंड दैट इट हैड बीन पार्क्ड, और इसको पार्क कर दिया गया। देखो जहां जहां हैड बीन है सबको आप प्रेजेंट परफेक्ट मानो, वो है, वो इनडायरेक्ट स्पीच है, इसको पार्क कर दिया गया है अहेड ऑफ द 2 week लॉन्ग लूनर नाइट, अहेड ऑफ का मतलब होता है पहले, किसके पहले पार्क कर दिया गया है, 2 हफ्तों का जो लंबा सा चांद पे रात होता है, 2 हफ्ते कोई सूरज नहीं, तो उतने दिन के लिए उस रोवर को सुला दिया गया कि भैया तुम आराम करो, फिर जब सूरज आएगा तो तुम जग जाना। क्लियर, एनी प्रॉब्लम, चलिए आगे बढ़ते हुए, यह लिखा है कि दिस विग्नेट इलस्ट्रेट्स अ सर्टेन मैच्योरिटी ऑन द पार्ट ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। देखते हैं क्या है, देखो दिस विग्नेट, अब ये मेरा क्या है, ये सब्जेक्ट ही तो है मेरा, दिस विग्नेट, दिस एक हमारा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, विग्नेट हमारा एक नाउन हो गया, तो बता रहे कि ये जो विग्नेट, विग्नेट का मतलब कि ये जो चित्र है, ये जो दृश्य है, यू नो इलस्ट्रेट्स, ये बताता है, ये जो व्यौरा है, ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये बताता है, इलस्ट्रेट करता है, क्या बताता है, अ सर्टेन मैच्योरिटी ऑन द पार्ट ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम, एक खास तरह के मैच्योरिटी को बताता है, ऑन द पार्ट ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, जो कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम का एक हिस्सा है, कि हाँ मैच्योरिटी है, कैसे मैच्योरिटी है, इट एंटर्स अ फेज, अब यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा है, हम इसको कंप्लीटेड मान के चलेंगे कि ये जो हमारा जो इसरो है, इट एंटर्ड अ फेज, एंटर्स अ फेज, एक ऐसे फेज में प्रवेश कर चुका है, वेयर, जहाँ इट्स ग्रोथ फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, इसकी जो ग्रोथ है वो स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, एकदम पावरफुल टू पावरफुल, बिकम्स इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम इंटरनेशनल लीडरशिप, जो ऐसा हो जाता है कि हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, हम इसमें कुछ अंतर नहीं बता सकते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल, अब हम इतने शक्तिशाली हो रहे कि हम अंतर नहीं बता सकते, किससे अंतर नहीं कर सकते हैं, फ्रॉम इंटरनेशनल लीडरशिप, इंटरनेशनल जो लीडरशिप है, वहाँ जो लोग नेतृत्व करते हैं, वहाँ जो लोग चलाते हैं, उसमें और हमें कोई फर्क नहीं है, ऐसा दिखाया जा रहा है, किस चीज़ में फ़र्क नहीं है, इन स्पेस
एक्सप्लोरेशन, स्पेस को जो लोग एक्सप्लोर करते हैं, तो वो लोग अगर करते हैं और हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, तो अब हम इतने मजबूत हो गए हैं कि कुछ डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे, ये मैच्योरिटी दिख रही है अब, समझ रहे हैं? क्योंकि चांद के साउथ पे तो हम पहले देश हैं, यू नो, इस वजह से। अब आगे देखिए, सेंटेंस को तोड़िए। इवन एज का मतलब होता है एकदम एट द सेम टाइम, उसी वक्त, एकदम साइमल्टेनियसली, वो बात दिखाता है कि हम काफी स्ट्रांग हो रहे हैं। एट द सेम टाइम इट कैरीज फॉरवर्ड इन ओल्ड ट्रेडिशन, हम इतने स्ट्रांग तो हो रहे, बट उसी समय इट कैरीज फॉरवर्ड इन ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ स्टडिंग द सन, ये अभी भी साथ में लेकर के चलता है, कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, क्या पुराना ट्रेडिशन, वही परंपरा, किस चीज का परंपरा, ऑफ स्टडिंग, देखो प्रेपोजिशन के बाद वर्ब में आईएनजी आया कि नहीं आया, आया ना, ऑफ स्टडिंग द सन, सूरज को स्टडी करने का हमारा वही पुराना तरीका है, इतने हम डेवलप हो गए हैं तब भी सूरज में हम मार खा रहे हैं, स्टडी हम वही कर रहे हैं जो पहले होता था, अब हमारा L1 गया है, अब कुछ जानकारी लाएगा, यू नो। अब यहां कॉमा करके लिखा है कि एग्जाम्पलीफाइड बाई द कोडाइकनल सोलर ऑब्जर्वेटरी, ये कुछ नाम है, टेक्निकल नाम है, कि इनके द्वारा जो भी पढ़ाया गया होगा, बताया गया होगा, एग्जाम्पल दिया गया होगा, वही हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अब है कि आदित्य L1 विल स्टडी द सन, अब जो आदित्य L1 अपना है वो करेगा, विल स्टडी द सन इन मल्टीपल वेवलेंथ्स, हर वेवलेंथ में काम करेगा, यानी कि उसका जितने भी उसके वेवलेंथ वेव होते हैं, हर एंगल से ऐसा डिजाइन किया होगा कि हर एंगल से वो काम करेगा, स्टडी करेगा, विद इट्स स्वीट है क्या, सूट तो ये ई लगा हुआ है, आई थिंक स्वीट है, स्वीट ऑफ सेवन इंस्ट्रूमेंट, स्वीट वो होता, स्वीट या स्वीट, ये सूट तो नहीं हो सकता, एक बार स्वीट ऐसा होता है ना, जैसे आपने होटल में देखा होगा कि कई कमरे अटैच होते तो एक स्वीट हो जाता है, तो मुझे लग रहा उस सेंस में दिया कि स्वीट ऑफ सेवन इंस्ट्रूमेंट, मतलब इसके अंदर सात इंस्ट्रूमेंट लगे तो एक पूरा का पूरा एक स्वीट बुक हो गया एक तरीके से। एनीवेज, तो हो क्या रहा है कि ये स्टडी करेगा विद इट्स स्वीट या जो भी है ऑफ सेवन इंस्ट्रूमेंट, इसके अंदर सात इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए, कैसे भाई, फोर रिमोट सेंसिंग, चार तो रिमोट सेंसिंग, अभी टेक्निकल नाम है, मैं इसकी हिंदी क्या बताऊं, चार इंस्ट्रूमेंट रिमोट सेंसिंग, रिमोट मतलब बहुत दूर से सेंस कर लेगा, रिमोट का मतलब क्या होता है, दूर दूर से ही सब कुछ देख लेगा, भांप लेगा काफी दूर से, एंड थ्री इन सिटू, इन सिटू का मतलब होता है चारों तरफ, जहां है वहीं पर, तो तीन जो है वो जहां पर ये L1 रहेगा वो तीन तो उसका उसकी स्टडी करेंगे और बाकी जो चार है वो दूर की स्टडी करेंगे, कुछ इस तरीके से बताया जा रहा है। आगे देखते हैं, जी यहां पर लिखा है कि दैट इज बाय डायरेक्टली सैंपलिंग अ पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ स्पेस, अब वो कुछ करेगा, ये टेक्निकल बात है, कुछ सैंपल लेगा स्पेस के वॉल्यूम का, व्हाटएवर। अब देखिएगा क्या लिखा है कि इवन दो इट इज द स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ एंड हैज बीन एंड कंटिन्यूज टू बी ऑब्जर्व्ड बाय अ पेनोप्लाई ऑफ टेलीस्कोप, फिर यहां पर कॉमा है, द सन स्टिल होल्ड्स मेनी सीक्रेट्स। कहीं देखिए, इवन दो जब आएगा तो एक सेंटेंस के बाद कॉमा आता है, मैं आपको एक सेंटेंस का तरीका बताता हूं, देखिए क्या है, अगर कोई इवन दो से कोई सेंटेंस बोलेगा तो इवन दो के बाद यहां पर एक सेंटेंस होगा, फिर कॉमा होगा, उसके बाद फिर दूसरा सेंटेंस होगा, ये है लेटेस्ट चीज, पहले बीच में कॉमा की जगह येट लगता था, अब लोग नहीं लगाते, कॉमा ही लगाते हैं। अच्छा, ये क्या होता है, पहले पॉइंट को हम हाईलाइट कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि इवन दो ही इज अ रिच, अब उसकी रिचनेस को हम हाईलाइट कर रहे हैं कि हालांकि वो अमीर है, और कॉमा लगा के बोल रहे हैं कि ही ट्रैवल्स बाय बस, अब इसका मतलब क्या होगा कि हालांकि वो अमीर है फिर भी वो बस से ट्रैवल करता है, तो एक तरफ उसकी इतनी बड़ी बात बता रहे हैं, दूसरी तरफ थोड़ा सा उसे हल्का दिखा रहे हैं, उसको डाउन प्ले कर रहे हैं। अब उसी तरीके से यहां पर क्या लिखा हुआ है कि इवन दो इट इज द स्टार, एक ऐसा स्टार है जो सूरज, एक ऐसा स्टार है क्लोजेस्ट टू द अर्थ, जो पृथ्वी के करीब है, 15 करोड़ क्या है किलोमीटर की दूरी पर है शायद, तो पृथ्वी के फिर भी बाकी स्टारों के मुकाबले क्लोज है, एंड हैज बीन
रहा है एंड कंटिन्यूज टू बी ऑब्जर्व, मतलब ऑब्जर्व होता भी आ रहा है और अभी भी ऑब्जर्व हो रहा है बाय अ पेनोप्लाई ऑफ टेलीस्कोप। पेनोप्लाई का मतलब बहुत सारा, तो बहुत सारे टेलीस्कोप के द्वारा अभी भी ऑब्जर्व होता रहता है, क्लोजेट है, ये सब कुछ है, फिर भी अब इसका कुछ अलग पार्ट दिखा रहा है, फिर भी द सन स्टिल होल्ड्स मेनी सीक्रेट्स, तब भी सूरज में बहुत सारी उस सीक्रेट्स छुपी हुई है, देख रहे हो। तो इवन दो से हम क्या करते हैं, पहले बता दिया कि भाई ऐसा है ऐसा, फिर उसका एक अलग दिखा दिया कि तुम बड़े अच्छे हो, बड़े प्यारे हो, सब कुछ है, तब भी यार लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, यू नो। इवन दो अब लिखा है कि सम ऑफ देम आर सिंपली वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड, कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं, देख रहे, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, उनमें से क्या, उन सीक्रेट्स में से कुछ आर सिंपली वेटिंग, वो इंतजार कर रहे हैं क्या करने का, टू बी डिस्कवर्ड। ये टू बी के साथ थर्ड फॉर्म क्यों आ रहा है, इसको ध्यान से देखिए, पैसिव है कि उन्हें डिस्कवर किया जाए उसका इंतजार कर रहे हैं। जैसे कभी भी अगर ऐसे आ जाए गाइस, जैसे मैं बोलूं कि ही इज वेटिंग और मैं कर दूं टू बी बीटन, तो इसका मतलब आपको क्या लगता है, ये जो ही नाम का व्यक्ति है ये दूसरों को पीटने का इंतजार कर रहा है कि खुद मार खाने का इंतजार कर रहा है, क्या लगता है, ये ही डूअर नहीं है बॉस, ये रिसीवर है, कोई और आएगा इसको मार के जाएगा, इंतजार कर रहा है, ही इज वेटिंग टू बी बीटन, इस तरीके से समझा कीजिए। अगर मैं बोल दूं कि दिस रूम इज गोइंग टू बी क्लीन्ड, तो ये कमरा खुद साफ करेगा कि कोई आकर के कमरे को साफ करके जाएगा, ये डूअर है कि रिसीवर है, ये रिसीवर है। दिस रूम इज गोइंग टू बी क्लीन, ये कमरा कहीं कुछ करने नहीं जा रहा है, कोई और आएगा कमरे को साफ करके चला जाएगा, मतलब होने वाला है ये। तो इसको टू बी के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए, उसे पैसिव कहते हैं गाइस, कि हुआ नहीं है, होना बाकी है। चलिए हो गया ये वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड, कि ये इंतजार कर रहे हैं कि भाई आओ भाई L1 हमें डिस्कवर करो, कॉमा करके कि ऑल दो दैट इज ईजियर, हालांकि, ऑल दो मतलब हालांकि, दैट इज ईजियर सेड देन डन, ईजियर सेड देन डन का मतलब होता है कहना आसान करना मुश्किल, हालांकि कहना आसान है करना मुश्किल है, क्या देखते हुए, गिवन द ब्रुटैलिटी, गिवन का मतलब होता है देखते हुए, या गिवन का मतलब दिया हुआ नहीं है, गिवन द ब्रुटैलिटी ऑफ द स्टार्स इन्फ्लुएंस ऑन इट्स इमीडिएट सराउंडिंग्स। देखिए गिवन को समझिए गाइस, जो नए बच्चे हैं गिवन को समझिए, देखिए गिवन का मतलब होता है कंसीडरिंग, कंसीडरिंग मतलब सोच विचार करते हो। अगर मैं कहता हूं कि गिवन द फैक्ट दैट ही इज इल ही शुड नॉट गो टू ऑफिस फॉर अ, ही शुड नॉट गो टू ऑफिस अनटिल ही गेट्स वेल। अगर मैंने ऐसे बोला तो मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ गिवन लगाया कि गिवन द फैक्ट दैट, इस बात को विचार करते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वो बीमार है, उसे ऑफिस नहीं जाना चाहिए जब तक वो सही नहीं हो जाता, तो गिवन, गिवन का मतलब विचार करते हुए, सोचते हुए, देखते हुए। अगर मैं बोलूँ कि गिवन हिज बैड नेचर, गिवन हिज बैड नेचर यानी कि इसके बुरे नेचर को ध्यान में रखते हुए, वी हैव डिसाइडेड नॉट टू टॉक टू हिम, हमने डिसाइड किया कि उससे बात नहीं करेंगे, तो गिवन का मतलब ध्यान में रखते हुए। तो अब क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए कि कहना आसान करना मुश्किल है, क्यों भाई, गिवन द ब्रुटैलिटी, इसके ब्रुटैलिटी, इसके क्रूरता को देखते हुए, ब्रुटैलिटी ऑफ व्हाट, द स्टार्स इन्फ्लुएंस, स्टार का जो जो दम है, वो जो इन्फ्लुएंस है किस चीज़ पर, और इट्स इमीडिएट सराउंडिंग, इमीडिएट का मतलब जो बिल्कुल क्लोज का जो वातावरण है उसमें, सोचो कि कितना प्रॉब्लम होगा उसकी गर्मी की वजह से, उसकी ब्रुटैलिटी जब अपने उस चरम रूप में आता होगा सूरज, तो उस वजह से बहुत मुश्किल है कहना कि हम उसके सीक्रेट्स को जान पाएंगे, यू नो। अब क्लियर समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हुए चलिए, वन एग्जाम्पल इज द पर्टिकुलर्स, अगर मैं उसकी ब्रुटैलिटी की बात करूँ तो उसमें से जो एक एग्जाम्पल है, वन एग्जाम्पल इज द पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स का मतलब क्या होता है, विवरण, डिटेल्स,
वन एग्जाम्पल इज द पर्टिकुलर्स ऑफ द सोलर विंड. हो सकता मुझे ये सब उतना नहीं पता, मैं बस ट्रांसलेट कर रहा हूँ कि हो सकता है कुछ सोलर हवाएं चलती होंगी, कौन जानता है. सोलर विंड के बारे में कह रहा है कि एक एग्जाम्पल जो है कि उनका जो सोलर विंड होता है उसके जो विवरण है, उनके जो पर्टिकुलर्स डिटेल्स है उसके, वो दे रहा है. वन एग्जाम्पल इज द पर्टिकुलर्स ऑफ द सोलर विंड कॉमा क्या है, अ स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, एक एक धारा से निकलती है, चार्ज पार्टिकल्स होते होंगे, एकदम चार्ज्ड होते होंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स, दैट स्ट्रीम आउट फ्रॉम द सन इनटू स्पेस. तो वो चार्ज पार्टिकल्स सूरज से निकलते हैं और स्पेस में चले जाते हैं. स्ट्रीम आउट का मतलब वहाँ से बाहर आते हैं, स्पेस में चले जाते हैं. यानी कि कह रहा है कि वन एग्जाम्पल इज द पर्टिकुलर्स ऑफ द सोलर विंड. वो सोलर विंड है, सोलर विंड क्या है, एक धारा है, उसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उस हवाओं में कुछ पार्टिकल्स होंगे जो बिल्कुल फायर वाले पार्टिकल्स होंगे जो सीधा सूरज से निकलते हैं और कहाँ चले जाते हैं, स्पेस में चले जाते हैं. तो कितना मुश्किल है भाई. आगे और पढ़ते क्या है, कंसीडरिंग ध्यान में रखते हुए, कंसीडरिंग द सोलर विंड. तो सोलर विंड को ध्यान में रखते हुए अफेक्ट्स स्पेस वेदर, जो कि उस स्पेस के वेदर को प्रभावित करता है, एंड इन टर्न किस चीज़ को प्रभावित करता है, द डिजिटल कंपोनेंट्स. और इसकी वजह से डिजिटल कंपोनेंट्स को प्रभावित करता है, मतलब कि स्पेस का वेदर प्रभावित होगा तो उसके बदले क्या प्रभावित हो जाएगा, डिजिटल कंपोनेंट्स, किसके, ऑफ स्पेस क्राफ्ट. ओ माय गॉड, यानी कि सूरज से जो वो विंड निकला कुछ जैसा बताया जा रहा है, उस विंड से वेदर प्रभावित हुआ, उस वेदर से डिजिटल कंपोनेंट्स आपके स्पेस क्राफ्ट के प्रभावित हो जाएंगे. ओके माय गॉड, खतरा तो है. अच्छा, तो इसको ध्यान में रखते हुए क्या हुआ है भाई, आदित्या एलवंस फाइंडिंग्स. तो आदित्या, देखो एलवंस यहाँ देख रहे हो, एपोस्ट्रॉफी लगा है कि आदित्या एलवन की जो फाइंडिंग होगी, जो जांच पड़ताल करेगा, कुड इन्फॉर्म, कुड का मतलब चांस है कि फ्यूचर में ऐसा होगा, कुड इन्फॉर्म फ्यूचर स्पेस मिशंस. तो फ्यूचर स्पेस मिशन को इन्फॉर्म कर सकते हैं एज वेल. वेरी गुड, चले गाइस ये हो गया. अब देखिए, अदर्स आर मिस्टीरियस. तो एक एग्जांपल तो सोलर विंड का दे दिया, कह रहे कि बाकी जो सीक्रेट्स हैं वो भैया मिस्ट्रीज हैं, मतलब अभी भी पता नहीं है. बंडल्स ऑफ फैक्ट्स, देख रहे हो बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं, नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड, अब तक एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं बाई साइंटिस्ट थ्योरीज, साइंटिफिक थ्योरी. अब तक साइंटिफिक थ्योरीज में सूरज की इतने मिस्ट्री हैं जो अब तक नहीं सामने लाए गए हैं. एक एग्जाम्पल वो सोलर विंड का था, जिसमें से चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं सूरज से और स्पेस में चले जाते हैं, इससे मौसम प्रभावित होता है और स्पेस क्राफ्ट के जो कंपोनेंट्स हैं वो प्रभावित हो जाते हैं. अब क्या लिखा हुआ है, द आर्केट, क्या है ये, द आर्केटिपाल क्या है, अच्छा आर्कटियापाल ऐसा कुछ है, जरा आप पढ़ोगे गाइस, द आर्केटियापाल एग्जाम्पल, आर्केटिया पाल, अच्छा, जो खास स्टैंडर्ड को कहते हैं, ओके ये एडजेक्टिव है, आप इसका प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेना. आर्केटिया पाल एग्जाम्पल इज द कोरोनल हीटिंग, समझ गया मैं. ये कह रहा है कि बाकी जो है वो मिस्ट्रीज है, जिसमें से कह रहा है कि जो मेन, जो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है उस मिस्ट्री का इज कोरोनल हीटिंग. अब उसके सूरज का जो कोई चारों तरफ का एरिया होगा, कोरोनल उसके साइंटिफिक नेम है, उनका जो हीटिंग है, उनकी हीटिंग प्रॉब्लम है, कुछ कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम है. क्या है वो, वाई द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सन्स एटमोसफेयर, यानी कि सूरज की एटमोसफेयर का जो सबसे ऊपरी लेयर है, इज 1000 times हॉटर, वो ज़्यादा हॉटर है देन द सन सर्फेस, सन के सर्फेस से अपर लेयर ज़्यादा, ये कुछ कोरोनल प्रॉब्लम है, इसीलिए इसको बोला गया है कि आर्केटिया पाल. इसको यार मुझसे तो पढ़ाई नहीं जा रहा है, आप ये पढ़ना है जरा, आर्केटाइपाल क्या है. ओके इस वर्ड को जरा आप लोग एक बार डिक्शनरी में ढूंढना, क्योंकि लिखा है ना, ये एग्जाम्पल के बारे में बता रहे, देखो साफ पता चल रहा है जो भी इसके, आर्केटाइपाल एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हमारा नाउन है, तो ये हमारा ऑफकोर्स क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया ना, इसके बारे में बता रहा है. तो यानी कि इसका मतलब क्या हो जाए, मेन एग्जाम्पल, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये फीलिंग दे रहा है. तो जो मेन एग्जाम्पल है वो है कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम, जो मेन एग्जाम्पल है कि क्यों ऐसा है कि भाई
जो अपर मोस्ट लेयर है सूरज का, सूरज के एटमॉस्फेयर का, वो 1000 टाइम्स गर्म है उसके सरफेस से। अब इतनी जानकारी मुझे नहीं है गाइस सूरज के बारे में। चलें आगे देखें। अब लिखा है कि इन द नेक्स्ट 4 और 100 मंथ्स, मतलब अगले 4 या ऐसे कुछ महीनों में आदित्य L1 विल ट्रैवल टू द L1 लैग्रेंज पॉइंट। ठीक है, अभी कह रहा है कि जो आदित्य L1 है वो ट्रैवल करेगा। ट्रैवल करके कहाँ तक जाएगा? देख रो, विल ट्रैवल टू, ये टू हमें क्या दिखाता है? उस लोकेशन को दिखाता है जहाँ पे जाकर हम रुकेंगे। तो टू द L1 लैग्रेंज पॉइंट, ये कोई पॉइंट होगा L1 जिसका नाम है L1 लैग्रेंज पॉइंट। तो टू मेरा प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद मेरा ये क्या है? एक नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज है। तो L1 लैग्रेंज पॉइंट पे जाकर के रुकेगा कितने? 4 महीनों में या ऐसे कुछ महीनों में। अब लिखा है कि अ पॉइंट, लैग्रेंज पॉइंट के बारे में यहां देखो कॉमा लिखा है, कॉमा के बाद है कि अ पॉइंट 1.5 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ। ये जो कॉमा है ना, इसे बोलते हैं एपोजिशन। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है कि वो जो लैग्रेंज पॉइंट है वो कम से कम 1.5 मिलियन, यानी कि कितने हो गए? 15 लाख है, 15 लाख किलोमीटर्स है फ्रॉम द अर्थ। सूरज से उस L1 लैग्रेंज पॉइंट की दूरी 15 लाख किलोमीटर्स है, वहां पे ट्रांसफर करेगा। वेयर, जहां पर द स्पेस क्राफ्ट विल हैव एन अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू ऑफ द स्टार। जहां पर ये जो आदित्य जा रहे हैं इनका मतलब, इट विल हैव एन अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू, मतलब कहीं से कोई बाधा नहीं आएगी, आराम से सूरज को स्टडी कर सकता है। अनऑब्स्ट्रक्टेड, नो एनी प्रॉब्लम, कोई बाधा नहीं, कोई दीवार नहीं, ऑफ द स्टार। वाइल, जबकि इट स्टेज इन अ हेलो ऑर्बिट अराउंड द पॉइंट। जबकि ये वहां पर कोई कोई ऑर्बिट होगा, कोई इसका नाम है हेलो ऑर्बिट, हेलो का मतलब तो लाइट का घेरा होता है, कोई ऑर्बिट होगा उसी के अंदर ही रहेगा। ऑर्बिट अराउंड द पॉइंट, उस पॉइंट के अंदर उस घेरे में घूम रहा होगा और वहां से अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू लेगा सूरज का। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। इतना साइंस, पूरे स्पेस के बारे में इतना यह है ना। टू डीपन इट्स रेलेवेंस, अब देखो टू डीपन, अब यहां डीपन हमारा क्या है? ये वर्ब है और ये वर्ब का बेस फॉर्म कह लो, फर्स्ट फॉर्म कह लो, तो ये अपना इन्फिनिटिव हो गया ना। टू डीपन इनकी करने के लिए, टू डीपन इट्स रेलेवेंस, इसके उस रेलेवेंस को कि कितना अच्छा है, कितना रेलेवेंट है, उसको और गहरा दिखाने के लिए आदित्य L1 विल ऑल्सो हैव टू, देखो विल हैव टू का इस्तेमाल है, आदित्य L1 विल ऑल्सो हैव टू रिकॉर्ड एंड ट्रांसमिट डेटा टू अर्थ एज क्विकली एज पॉसिबल। अब इसको और ज्यादा रेलेवेंट बनाने के लिए आदित्य L1 को क्या करना पड़ेगा? इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा और तुरंत पहुंचाना होगा डेटा को पृथ्वी पर एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना जल्दी। वेयर द डेटा डाउन लिंक एंड एनालिसिस पाइपलाइन विल हैव टू ऑपरेट विद सिमिलर हेस्ट। विल हैव टू का बड़ा अच्छा यूज किया गया है कि जब पृथ्वी पे जब इसको पहुंचाया जाएगा तो वेयर मतलब जहां, जो डेटा डाउनलिंक और जो एनालिसिस पाइपलाइन होगा इनको भी ऑपरेट करना होगा उतने ही जल्दीबाजी में। सिमिलर हेस्ट का मतलब उतने ही जल्दी से जितने जल्दी से वो वहां से डेटा भेजेगा। समझ में आ रहा है गाइस? विल हैव टू करना ही होगा। अब आगे देखिए, सो दैट, ताकि साइंटिस्ट कैन पीस टुगेदर अ कंकरेंट इमेज ऑफ द सन, ताकि जो साइंटिस्ट है वो जोड़ सके। पीस टुगेदर का मतलब होता है कि एक एक इंफॉर्मेशन लेकर उसे इकट्ठा कर सके। पीस टुगेदर कॉन्क्रीट इमेज, कॉन्क्रीट का मतलब जो बिल्कुल लाइव साइमल्टेनियस, जो कॉन्क्रीट इमेज अभी जो इमेज चल रहा है उसको तुरंत इकट्ठा कर ले सूरज का। ठीक है, इसमें सो दैट मुझे लगता है सबको पता ही होता है, फिर भी एक बता देता हूं। सो दैट, जिसको आप हिंदी में ताकि तो कह देते हो, लेकिन इसके साथ सो दैट के साथ आजकल प्रेजेंट के अंदर कैन लगता है और पास्ट के अंदर कुड लगता है, कुड, COULD, कुड। पहले क्या लगता था? पहले मे लगता था प्रेजेंट के अंदर और माइट लगता था, अभी भी कुछ लोग लगाते हैं, बट कैन कुड ज़्यादा चला हुआ है। जैसे कि मैं वीडियोस बनाता हूँ ताकि आप समझ सको, आई मेक वीडियोस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। तो देखो कैन आ गया ना, यहाँ मैंने सो दैट लिखा और यहाँ देखो कैन लिखा। ठीक है, पास्ट कर दूं,
कल मैं वहाँ गया ताकि उसे मिल सकूँ. आई वेंट देयर यस्टरडे सो दैट आई कुड मीट हिम. आई कुड मीट हिम. तो देखो यहाँ भी सो दैट आ गया और यहाँ पर कुड आ गया. क्लियर है? ख़त्म करते गाइस, बहुत लंबा हो गया टाइम. अब देखिए क्या कह रहे हैं. इसरो हैज़ ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से इसरो ने एक और डेमोन्स्ट्रेशन दिया है. क्या डेमोन्स्ट्रेट किया है, क्या साबित किया है भाई, क्या दिखाया है? इट्स अबिलिटी टू हैंडल कॉम्प्लेक्स नेविगेशनल टास्क इन इंटर प्लानिटरी मिशन. देखो तो इसरो ने एक और अपनी काबिलियत को दर्शाया है क्या करने का, कि हैंडल कर सकता है. क्या हैंडल कर सकता है? कॉम्प्लेक्स, जटिल से जटिल नेविगेशन टास्क. नेविगेशन का मतलब होता है ना डायरेक्शन का पता करना, सही जा रहा है गलत जा रहा है. कहाँ पर? इंटर प्लानिटरी मिशन. इंटर प्लानिटरी मतलब एक प्लानिट से दूसरे प्लानिट में जो भेजने का मिशन है उसमें ये अच्छा खासा है, वो कॉम्प्लेक्स नेविगेशन टास्क को हैंडल कर सकता है. ये भी उसने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है. ठीक है, इंक्लूडिंग द लूनर स्पेस प्रोग्राम, जैसे चंद्रयान वगैरह में साबित कर ही चुका है. कैसे कर सकता है ये नेविगेट? विद हेल्प फ्रॉम फॉरेन स्पेस एजेंसीज. ये फॉरेन की जो स्पेस एजेंसी है उनसे भी मदद ले लेता है. एंड द अटेंडेंट स्किल्स विल बी ब्रॉड टू बियर ऑन आदित्य L1 एज वेल. और कुछ ऐसे अटेंडेंट स्किल का मतलब होता है जो ऐसे अटेंडेंट जो हेल्पर, अटेंडेंट मतलब क्या, जो हेल्पर जो इसी काम में माहिर हो उसको भी लाया जाएगा टू बियर ऑन आदित्य L1 एज वेल. बियर ऑन का मतलब है कि ताकि इसको सपोर्ट करे, इसको मतलब इससे रिलेटेड L1 से रिलेटेड इनको भी लाया जाएगा. बियर ऑन ये पूरा का पूरा एक फ्रेजल वर्ब की तरह काम करेगा. बियर ऑन का मतलब अगर देखा जाए तो रिलेटेड ही, इससे रिलेटेड है. ठीक है, चलिए और देखते हैं. यानी कि फॉरेन से तो ये मदद ले ही रहा है. एंड द अटेंडेंट स्किल्स विल बी ब्रॉट, ये भी लाया जाएगा, जो बिल्कुल माहिर होंगे इनको भी लाया जाएगा टू बेयर ऑन आदित्य L1 एज वेल, कि आदित्य L1 पे वो काम कर सके, उसको हेल्प कर सके, ये फीलिंग दे रहा है. टेकन टुगेदर, अगर हर चीज़ को हम इकट्ठा करके देखें, टेकन टुगेदर यानी कि अगर सब चीज़ को एक करके देखें, वाइल आदित्य L1 सीम्स रिलेटिवली सिंपल. आदित्य L1 जो है हालांकि बाकियों की तुलना में बहुत सिंपल दिख रहा है गिवन इसरोज रिसेंट अचीवमेंट. अगर इसरो के अभी हाल फिलहाल के अचीवमेंट्स को देखा जाए, उनको ध्यान में रखते हुए आदित्य L1 तो बहुत सिंपल लग रहा है. तो अगर सबको एक साथ लिया जाए, इट गिव्स द इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ये जो इसरो है ये इंडियन स्पेस प्रोग्राम को क्या देता है? इट गिव्स द इंडियन स्पेस प्रोग्राम एंड द नेशनल सोलर फिजिक्स कम्युनिटी को क्या देता है? वन मोर बाउंड्री टू पुश, कि एक और बाउंड्री देता है कि भाई आगे पढ़ो. मतलब कहीं ना कहीं अच्छी तारीफ की गई है. तो गाइज ये सब तोड़ तोड़ के मैंने बता दिया. एक वो वर्ड था जो क्या प्रोनाउंस ही नहीं हो रहा था, उसको आप लोग देख लेना, पता नहीं RKTL क्या था वो. हाँ यही है ना, इसको आप लोग एक बार ढूंढना जरा. ये RKTPAL ऐसा कुछ है ये. बाकी आई होप कि मैंने सब डिस्क्राइब कर दिया आपको. चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी. अगर आप नए हैं, आप चाहते हैं कि मैं सेंटेंसेस को तोड़ कर पढ़ाऊँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. और एडिटोरियल मुझे भी बहुत बोरिंग लगता है, बट मैं बीच बीच में लाता रहूँगा. मेरा मेन टारगेट है कि जो बिगनर्स होते हैं उनको सेंटेंस के अंदर जो ये जो क्लॉजेज छुपे हैं, जो फ्रेजेज छुपे हैं, उनको पता चल जाए. वर्ड्स में इनकी गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि वो तो आपको खुद ही ढूंढने पड़ेंगे और धीरे धीरे आपको याद करने पड़ेंगे. तो इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता है. कैसे आप वर्ड्स मीनिंग याद करोगे? आप तो रोज़ पढ़ोगे, रोज़ कुछ नया मिलेगा तभी तो. लेकिन सेंटेंस की गारंटी मैं फुल लेता हूँ. कैसा भी सेंटेंस हो मैं तोड़ के आपको बता दूंगा, फुल गारंटी. चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं. थैंक यू.